आपके राज्य में अमेरा युग आ रहा है तो आपको रखना ही पड़ेगा। महाराज परीक्षित ने सोचा कि महाराज इस कलिकाल को ऐसी जगह दे दो जहाँ पर सज्जन लोग जाएंगे नहीं तो कलिकाल इनको परेशान नहीं करेगा। और कलिकाल को मारने के लिए तैयार होने के कलिकाल में भगवान सूत जी महाराज कहने लगे, परीक्षित जी के चरणों को पकड़ लिया और अपने बाप अपने दादा की बात धर्मराज की बात या दादी की शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। द्योतम पारम श्रिया सुना यत्र धर्मा चतुर्विधा। महाराज परीक्षित से मुझसे कर गया कि महाराज जहां जुआ होता हो वहां पर करीब का वास है तुम रहना। जब कोई सट्टा में कहना महाराज की ईमानदारी से खेलेंगे तो ऐसा धर्मराज नहीं कर पाए हमारी और आपकी तो बात हो रहेगी। तो कहा महाराज जहां पर जुआ हो वहां पर तुम झूठ के रूप में रहना और जहां पर सुरा पान होता हो मदिरा पान होता हो वहां पर तुम मद के रूप में रहना। जहां पर परिस्थिति का दमन होता हो वहां पर तुम काम के रूप में रहना और जहां हिंसा होती हो वहां पर तुम पाप के रूप में रहना। ये चार जगह दे दिए महाराज परीक्षित में। कलयुग फिर गड़गड़ाने का काम आ रहा है। कोई एकाध कमरा तो ऐसा दे दो जहां पर मैं मेहमानों को बैठा सकूं। परीक्षित जी ने चार स्थान दिए। कलयुग ने सोचा कि देखो राजा तो इन स्थानों पर आने वाले नहीं है और जिस देश के राजा की बुद्धि ना बिगड़े प्रजा की बुद्धि कैसी बिगड़ेगी। यथा राजा तथा प्रजा है तो धर्म का शासनों का नियम है। महाराज पांचवा स्थान निकल गया कहा महाराज सोने में ही तो रहने लगो और जैसे ही सोने की बात कही ना महाराज महाराज परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश कर गया कलिकाल। लेकिन गीता में भगवान कहते कि धातुओं में सोना मेरा वास है। भागवत जी के 11वें स्कंद में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करके उद्धव जी को बताते हैं। जब भी कहते हैं कि मैं धातुओं में सोना हूँ तो कहते महाराज जो भाई का हिस्सा मार कर बेईमानी से जो सोना आया है ना समझ लेना जिसके कारण घर में किलकिल मची रहे। बड़ी बहू कहे कि हाथ हमारा है छोटी देवरानी कहे हम दे नहीं सकते तुमको तो समझ लेना महाराज वो गड़बड़ काम है वहां पर। और कहते महाराज जो परिश्रम करके सच्चे धन से कमाया हुआ सोना है वो है सोने में भगवान नारायण का वास है। देखो सालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती ना क्यों नहीं होती कि उनमें सोना रहता रहता है। इसलिए भगवान सालिग्राम की और नर्मदेश्वर दोनों की प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो नर्मदा मैया की। महाराज गए थे वो उनके राज गुजारने का नहीं था। वो जरासंध को जब पांडवों ने मारा था उनके राज खजाने से जो मुकुट लेके आए थे उस मुकुट को आज महाराज परीक्षित में धारण कर लिया। लौट के आ रहे थे महाराज तो कहते हैं महाराज सभी उन्हीं के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर किसी समाधि से बैठे थे और राजा ने सोचा कि महाराज सब ये नाटक कर रहे हैं समाधि का परीक्षा लेने के लिए मरा हुआ सर उनके गले में डाल दिया। ऋषि तो ऋषि थे लेकिन महाराज उनके जो पुत्र थे जिनका नाम समीप था उन्हें श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उनको इसी नाम के कुल का तक्षक नाम का नाम के आज से 7 दिन नसेगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। महाराज बुद्धि को ये प्रबोध हुआ ये ज्ञान हुआ कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। लेकिन महाराज जो घटना घट गई सो घट गई। समीप ऋषि ने अपने गौर उपनाम के शिष्य को भेजा और कहा जाओ महाराज परीक्षित को ये समाचार दे दो कि 7 दिन में मृत्यु का श्राप आपको मिल गया है। 7 दिन में अगर वो अपनी मृत्यु का कोई सदगति का कोई उपाय कर सकते हैं मृत्यु को सुधारने का कोई सत्कर्म उपाय कर सकते हैं तो कर गए। महाराज परीक्षित ने जब ऐसा समाचार मिला महाराज अपना राजपाट छोड़कर भगवती भागीरथी गंगा के किनारे आ गए और नाना प्रकार के ऋषि महाराज सबको ये समाचार मिला कि महाराज हुआ है। ऋषि भी आए और ऋषियों की पूजन करके कहते हैं यही पूछा महाराज कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित के प्रश्न
प्रकार जब बड़े बड़े योगी यदि सन्यासी क्या जवाब नहीं दे सके तो वहां पर महाराज भगवान सुखदेव का आगमन होगा। गुरु सुखदेव भगवान की भगवान अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु सदगुरु आप मुझे बताने की कृपा करिए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। महाराज परिचित चाहे थे तो पूछ रहे थे महाराज हमें श्राप लगा है, सात दिन में मर रहे हमको क्या करना चाहिए, लेकिन यही पूछा महाराज कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखिए पहला भागवत का प्रसंग नैमी शरण में सूत जी और स्वर्ग ऋषियों के बीच में, दूसरा गंगा के किनारे नारद जी और शरद कुमारों के बीच में, और तीसरा भगवान सुखदेव और महाराज परीक्षित के, और चौथा यही भागवत मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में चलेगी, राम कथा हो या भागवत कथा हो। चार जगह चलती है, चार श्रोता है और चार लोकता है। तो भैया जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये भगवान सुखदेव कल से महाराज परीक्षित को ठीक 3:30 बजे से बता। गुरु भक्त वत्सल भगवान।